सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नोट्स को और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी अरिथमेटिक और बाइनरी अरिथमेटिक के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी डिवीजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी डिवीजन मतलब यहाँ पर जो भी हमको बाइनरी नंबर मिलेगा हम उस बाइनरी नंबर का डिवीजन करना सीखेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल क्या होता है, देखिए, अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो होता है 0, अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1। ये दो रूल होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है 100001 डिवाइडेड बाय 110। तो ये देखें, ये हमारा है डिवाइडेंट और ये है हमारा डिवाइजर, मतलब इसको हमको डिवाइड करना है 110 से। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 100001 को हमको डिवाइड करना है 110 से। तो आप देखिए, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी तीन वैल्यू देखिए और इसकी तीन वैल्यू देखिए। तो यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 110, तो ये लेस हो गया और ये ग्रेटर हो गया। हमेशा जो डिवाइडेंट होगा वो ग्रेटर होना चाहिए डिवाइजर से। ठीक है, तो ये डिवाइड हो पाएगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 0 लेने से होगा क्या, जो पहले अब यहाँ पर देखिए तीन वैल्यू था ना 100, इसी से डिवाइड करते ना, इसको इतना को डिवाइड करते इससे, तो यहाँ पर 0 लेने से क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, तो अब कितना होगा ये 1000, तो 1000। ठीक है, अब 100 को अब देखिए, अब ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, एक बार में गया, अभी एक बार में गया तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 110। सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है यहाँ पर, तब देखिए 0 में 0 इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 है तो ये कैरी लेगा, इससे कैरी लिया, फिर इससे कैरी लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से बन गया 1। अब ये 1 ये सो 10 कैरी देती है, यहाँ कितना बचा 1 बचा, 1 में से बन गया 0। अब यहाँ पर सॉरी 1 में से बन गया 0, तो ये पूरा क्लोज हो गया, तो सीधा हम लोग क्लोज कर देते हैं, खत्म करते हैं, और ये भी कैरी दे दिया तो ये भी पूरा खत्म हो गया। तो अब कितना बचा 10 बचा ना। अब देखिए यहाँ पर 10, अब नेक्स्ट क्या उतर जाएगा यहाँ पर 0। अभी भी देखिए आप यहाँ पर ये जो डिवाइडेंट है हमारा, सॉरी जो हमारा यहाँ पर ये डिवाइजर है वो है 110 और जो हमारा डिवाइडेंट है वो है 100। तो आप देखिए ये अभी भी लेस है और ये ग्रेटर है, हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे। तो 0 ऐड कर लेंगे तो ये जो नेक्स्ट 1 है वो यहाँ उतर जाएगा नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अभी फिर से एक बार में जा सकता है, तो एक बार में ले जाते हैं, तो यहाँ पर जब हो जाएगा 110। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 में से 0 गया तो आया 1, यहाँ 0 है तो ये कैरी लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से बन गया 1, यहाँ पर बचा क्या 1, 1 में से बन गया खत्म, ये पूरा क्लोज हो गया, तो क्या बचा 1। तो ये अपना जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा 1, 1। ठीक है, और जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0101। ठीक है, सो फ्रेंड इस टाइप से आपको इसको डिवाइड करना है, क्लियर है ना। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 110001, इसको हमको डिवाइड करना है 101 से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 110001 है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 101 से। अब आप देखिए 101 और यहाँ पर क्या है 110, सॉल्व हो सकता है तो एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 101। अब आप देखिए 101, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या करेगा इसे कैरी लेगा, नेक्स्ट कैरी लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 1 किया कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना बचा 0, तो 0 में से 0 जाएगा खत्म, 1 में से 1 जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 1, नेक्स्ट क्या उतर जाएगा 0। ठीक है, अब आप देखिए 101 है और यहाँ पर 10 है, डिवाइड तो हो पाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर ये जो 1 है नीचे उतर जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी 101 है, यहाँ भी 101 है, तो एक बार में डिवाइड होगा ना, एक बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 101। अब देखिए ये तीनों यहाँ पर से क्रॉस हो जा रहा है, तो ये देखिए हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 101।
सो फ्रेंड्स इस टाइप से आप दिए गए बाइनरी नंबर को आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आने वाले वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।